Okay, so I think we are about to live. Let's see. Yeah. Hello everyone, so welcome back to Unacademy J YouTube channel. Myself Paras Thakur and आप देख रहे हैं जे लाइव डेली 2.0। तो देखते भी रहना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी भी बजा लेनी है, नोटिफिकेशन तभी आएंगे। मोहल्ले में हल्ला भी कर देना, सबको बुला लो, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम करेंगे बेटा बेंट्स रूल एंड ड्रेगोज रूल, और उससे पहले देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का शॉर्टकट क्या होता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया गया है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें कैसे बतानी है वो करेंगे आज हम, राइट। और बेंट्स रूल ड्रैगन रूल की थोड़ी डिटेल में अच्छे से चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ आएगा, क्योंकि काफी बच्चे पहले से पूछ रहे थे वीएससी पीआर थ्योरी के टाइम पे कि सर बेंट्स रूल कब होगा। तो मैंने कहा था कि हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के बाद ही होगा वो। ठीक है, तो भाई जितने बच्चे एक बार आ चुके जल्दी से एक बार सबके साथ शेयर कर दो। लेट्स कॉल एवरीवन, सारे सारे पहुंच जाओ, मोहल्ले में हल्ला हो जाना चाहिए अभी के अभी। जल्दी से यहां पर मेरे को कंफर्म करो कि हल्ला सर कर दिया है। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है क्या? तो बेसिक इंट्रोडक्शन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो गाइज, आई हैव बीन टीचिंग कोचिंग स्टूडेंट्स, हेल्पिंग देम इन रियलाइजिंग देयर ड्रीम ऑफ क्रैकिंग जेई नीट, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आपके रहते हैं। एंड इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी, सीखता भी आया हूँ, काफी सिखाता भी आया हूँ बच्चों को। ठीक है, तो टू वे ट्रैफिक रहता है, हम सीखते भी हैं सिखाते भी हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट आई वॉज लाइक अवॉर्डेड वन ऑफ द टॉप 100 ग्लोबल लीडर्स इन एजुकेशन बाय GFEL दुबई। सो थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। इसको बनाए रखिए और इस रेवोल्यूशन को आगे से आगे लेके जाते रहना है। ठीक है, तो इसलिए आपकी शेयरिंग आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग बच्चों हमारे साथ टेलीग्राम पे अब तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद कोई भी ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, कोई भी ब्राउजर ओपन करके वहां पर आपको टाइप करना है tinyurl.com/unacademychat। ठीक है, ऑलरेडी हजारों बच्चे जुड़ चुके हैं, आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, क्लास के नोट्स वहां पे आते हैं। और अगर आप बुक्स की बात करें तो हमारे सारे के सारे लेक्चर्स लास्ट ईयर के, इस साल के, एक ही जगह पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। उनके सारे के सारे पीडीएफ नोट्स भी आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आपको कहाँ जाना है, tinyurl.com/jmobile पे आपको जाना है बेटा। एक ही लिंक पे आपको सारी के सारे 11th 12th के पीसीएम के सारे लेक्चर और नोट्स सब जगह मिल जाएंगे। तो दिस इज आर वीडियो बुक फॉर यू। तो इसको अगर आप यूज करेंगे अपनी पढ़ाई के लिए तो आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इसको जरूर शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का अगर आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो तो सोचना नहीं है, ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर आप सीरियसली सोच रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के बारे में तो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज दिस इज अ लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर यू, दिस विल बी अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर यू। बिकॉज यहां पर जितने अमेजिंग एजुकेटर्स आपको एक जगह पे मिलेंगे, जितना इकोनॉमिकल ये सब्सक्रिप्शन है, मतलब हर एक बच्चा अफोर्ड कर सकता है, और जिस क्वालिटी के टीचर्स हैं यार, इस क्वालिटी के टीचर्स कभी भी आज तक इंडिया में किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आप किसी भी को नहीं मिले। तो पहली बार है कि इतने अमेजिंग एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे हर बच्चे को उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है। अदरवाइज हमें बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ने के लिए स्पेशली बाहर जाना पड़ता था अपने शहरों से। ठीक है, आप घर पे बैठ के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का आराम से लुत्फ उठा सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी टीम बेटा जेल डेली की पूरी टीम, हम सभी यहाँ पर लाइव पढ़ा रहे हैं। कोटा के एजुकेटर से पढ़ना चाह रहे हैं आप तो वो भी यहाँ पर हैं, इंडिया के टॉप ऑथर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो फिर सोचना क्या है, राइट। तो IIT JEE का सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे तो उसमें 1 मंथ से लेकर 2 साल तक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं बेटा। 1 ईयर का 30,000 का है, 2 ईयर का 36,000 का। तो मेक श्योर कि आप 2 ईयर का ही सब्सक्रिप्शन लें। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PT लाइव भैया, नहीं तो लाइव कैसे हो पाएंगे। ठीक है, बिकॉज PT लाइव बेटा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लेना है पहले कोड लगा के कंफर्म कर लेना अप्लाई करके, कि प्राइसिंग आपका 32,400 हो जाएगा 2 साल का सब्सक्रिप्शन। तो यार 1,350 रुपये पर मंथ पड़ रहा है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो इस प्यारे से कोड से स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे कि इट्स सो इजी टू किल आर हैप्पीनेस बट सो हार्ड टू किल आर सैडनेस। तो ऐसा क्यों है कि बहुत बहुत छोटी छोटी बातों से, बहुत छोटी छोटी इवेंट्स से, चीजों से एकदम से हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है। तो इट इज रियली, आप कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कितना आसान है किसी का मूड खराब करना, है ना।
किसी को परेशान करना, किसी दुख दुखी करना, इरिटेट करना, फ्रस्ट्रेट करना कितना आसान होता है, जबकि किसी परेशान आदमी को खुश करना, ठीक है, कितना मुश्किल होता है। तो वाई इज दैट, ऐसा क्यों है कि हम अपनी हैप्पीनेस को इतने इजीली किल होने देते हैं, चले जाने देते हैं, कोई भी आके हमें डिस्टर्ब कर देता है, कोई भी हमें परेशान कर लेता है, छोटे से छोटा इवेंट भी आपका मूड खराब कर देगा, और बड़े से बड़ा एफर्ट भी कई बार आपका खराब मूड ठीक नहीं कर पाता। तो इट्स समथिंग टू गिव अ थॉट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा कर लो आप उससे ये सॉल्व हो जाएगा, जस्ट ये बोल रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो क्यों ना इसके बारे में ज़रा सोचें और ट्राई करें समझने की कि ऐसा क्यों है। मे बी अगर आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप इसके बारे में कुछ अच्छा कर पाएं अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के शॉर्टकट्स पहले पढ़ेंगे। तो फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन क्विकली, तो बेटा जल्दी जल्दी हम, और देखो इट्स नॉट अ ट्रिक, ट्रिक नहीं है ये, सबसे पहली बात है। मैं कभी भी केमिस्ट्री में प्रमोट नहीं करता कि आप ये ट्रिक लगाओ, वो ट्रिक लगाओ, ये कॉमन सेंस है, साइंस है, जितना समझ आ रहा है आ जाए, नहीं समझ आए तो याद कर लो, ठीक है। पर ये इसकी ट्रिक, ये उसकी ट्रिक, फिर तो बच्चा ट्रिक ही याद करता रहेगा। तो दिस इज एंटायरली कॉन्सेप्चुअल, ओके। तो इसमें क्या होता है, आपको जो हम स्टेरिक फैक्टर पढ़ते थे ना, स्टेरिक फैक्टर क्या होता था, स्टेरिक फैक्टर होता था कि सेंट्रल एटम के अराउंड कितनी पोजीशंस ऑक्यूपाइड है। दो पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो आप बोलते थे लीनियर ज्योमेट्री, सेंट्रल एटम के अराउंड तीन पोजीशन ऑक्यूपाइड हैं तो हम बोलते थे ट्रायगनल प्लेनर ज्योमेट्री, चार हैं तो आप बोलते थे टेट्राहीड्रल, पांच में ट्रायगनल बाईपिरामिडल, राइट। तो एग्जैक्टली वो तो आपका स्टेरिक फैक्टर था। तो बेटा वो स्टेरिक फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे उसको सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। यस, अब आपके दिमाग में कहीं डाउट आएगा, सर ये फ्री लोन पेयर क्या होता है। ये जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर रेजोनेंस का फिनोमेना पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा, उस टाइम पता चलेगा कि फ्री लोन पेयर कौन सा होता है, ठीक है, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आपने क्या करना बेटा, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर काउंट करने हैं। ये मिला के अगर आपके पास दो आते हैं तो वो sp हाइब्रिडाइज, तीन आते हैं तो sp2, चार आते हैं तो sp3, पांच आते हैं तो sp3d, छह आते हैं sp3d2, सात आते हैं sp3d3। इट्स दैट सिंपल। यस सीरियसली, इट इज दैट सिंपल। फॉर एग्जांपल, चलिए BCl3 का एग्जांपल लें। बेटा BCl3 में जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, बोरॉन के कितने सिग्मा बॉन्ड है बताओ जरा, तीन सिग्मा है और जीरो लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है बोरॉन के ऊपर। तीन सिग्मा का मतलब है sp2, एंड यस इट इज ट्राइगनल प्लेनर, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सेंट्रल एटम जो कार्बन है, तो भाई कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। तो एक सिग्मा यहां पे है, एक सिग्मा यहां पे है ना, दो सिग्मा हो गया आपके पास। लोन पे कोई नहीं बचा कार्बन के पास, तो कार्बन के पास सिर्फ दो सिग्मा है प्लस जीरो लोन पे। तो दो का मतलब बेटा sp हाइब्रिडाइज, तो कार्बन आपका sp हाइब्रिडाइज है, ठीक है। अमोनिया की बात कर लें, चलिए अमोनिया की बात कर लेते हैं। बेटा अमोनिया में जो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यस, और तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना आपके, तो तीन सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो तीन एक चार, चार का मतलब होता है sp3, ओके। तो अब देखो अमोनिया भी sp3 हुआ, और अगर आप CH4 में देखेंगे तो कार्बन के चार सिग्मा बॉन्ड है, जीरो लोन पेयर है, और तो CH4 भी तुम्हारा sp3 हुआ। अब अमोनिया तो पिरामिडल होता है, CH4 तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है, तो शेप की चिंता नहीं करनी है, शेप की चिंता नहीं करनी है, मतलब हम लोन पेयर को भी सिग्मा बॉन्ड की तरह ही काउंट यहां पर करते हैं, ओके। तो अमोनिया की शेप डिफरेंट है, पिरामिडल है, मिथेन की शेप टेट्राहेड्रल है, बट ज्योमेट्री तो बेटा दोनों की ही टेट्राहेड्रल है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन को आप ज्योमेट्री से रिलेट करिए, किससे रिलेट करना, हाइब्रिडाइजेशन को, हाइब्रिडाइजेशन को ज्योमेट्री से रिलेट करना है, शेप के चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी, है ना। शेप में तो अगर आप वाटर का एग्जांपल लोगे, लेट्स से वाटर का एग्जांपल लेते हैं, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और दो सिग्मा बॉन्ड है, तो दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड मतलब चार, चार का मतलब sp3, तो वाटर भी sp3 है, जबकि वाटर की जो शेप क्या है, वी शेप, बेंट शेप।
तो शेप की चिंता नहीं करनी है, ज्योमेट्री देखनी है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन sp3 फिक्स हो गया हुआ। ओके, तो बाल को समझ आ गए, लाइक कर दे करो, शेयर किया करो तुम लोग। चलो अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, इनकी एप्लीकेशन एक बार समझ लेते हैं। जैसे XeF2 है, अब इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना है हमें, हमें डायरेक्टली देखना है बेटा ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, दो बन रहे हैं सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में दो सिग्मा है, तो 8 में से दो इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा में चले गए, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन का क्या बचेगा, 3 लोन पेयर, तो 3 दो 5, 5 का मतलब sp3d। और ये पढ़ा भी आपने, यस ये sp3d होता है। XeF2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा जो 3 लोन पेयर हैं वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहते हैं, राइट ये है बिल्कुल। अब XeF4 में देखो बेटा, ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चले जाएंगे, तो 4 आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहां पे, और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे वो रहेंगे एज अ दो लोन पेयर। तो 4 दो 6, 6 का मतलब बेटा sp3d2। एंड यस ये भी हमने पढ़ा हुआ है, XeF4 क्या बनता, अभी 4 बॉन्ड सेम प्लेन में आपके आ जाते हैं और दो लोन पेयर आपके 180 डिग्री पे आ जाते हैं टू मिनिमाइज द रिपल्शन। PCl3 बेटा फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 ने तो बॉन्ड बना लिए, तो 3 सिग्मा और 2 जो इलेक्ट्रॉन रह गए उनका एक लोन पेयर, तो 3 एक 4, 4 का मतलब है हमारे पास sp3। PCl5 के तो 5 ही सिग्मा बन गए, तो 5 सिग्मा का मतलब है sp3d। SF6 में 6 सिग्मा, 6 का मतलब है sp3d2। PO43 नेगेटिव फॉस्फेट, PO43 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये PO43 नेगेटिव ये है। तो बेटा इस स्ट्रक्चर में जो तुम्हारा सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसके पास कोई लोन पेयर बचा है क्या, नहीं, क्योंकि फास्फोरस की 5 वैलेंसी होती है, तो 5 के 5 इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ये 1, 2, 3, 4 है ना, तो फास्फोरस के पास कितने बेटा, 4 सिग्मा है। लोन पेयर है कोई, नहीं कोई लोन पेयर नहीं है, तो मतलब ये sp3 है, फाइन। PCl3 बेटा हाइब्रिडाइज होता है, PH3 नहीं होता। उत्तम पहाड़िया बेटा देखो, जो आप बात कर रहे हो ना ड्रैगोज रूल की, ठीक है, PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन आएगी, PH3 में नहीं आएगी। ओके करेंगे उसको, अभी कभी करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको, ओके चिंता नहीं करो, अभी देखेंगे ड्रैगोज रूल का क्या है, कब हाइब्रिडाइजेशन आप लेंगे और कब नहीं लेंगे, इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, फाइन। तो यहां तक क्या सबका क्लियर हो गया, जल्दी से क्योंकि क्लियर हो गया, जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो उसके ऊपर कि हाँ भाई यहां तक सर हमें समझ आ गया है, तो फिर हम आगे की कहानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ओके आ गया, यस चलिए, तो ड्रैगोज रूल स्टार्ट करने से पहले है ना, बिफोर वी स्टार्ट द ड्रैगोज रूल, कुछ सिंपल से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, सिंपल से पूछूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछूंगा। देखिए हमारे पास जो अमोनिया है, अमोनिया एक बेस है, आई थिंक काफी बच्चों को पता होगा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ, अमोनिया बेस होता है क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है वो इजीली डोनेट किया जा सकता है। तो अमोनिया बेटा आसानी से एच पॉजिटिव गेन करके NH4 पॉजिटिव बनाता है, तो ये जो रिएक्शन है ये आराम से हो जाता है, एंड दिस प्रूव्स कि यस अमोनिया एज अ बेस यहां पे काम कर रहा है ना, तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके वहां से एच पॉजिटिव उठा लेता है, मतलब इसके लोन पेयर आराम से डोनेट हो गए, इसके लोन पेयर आराम से डोनेट हो गए। बट यही चीज अगर मैं PH3 में करने की कोशिश करूं, PH3 में भी फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर है, तो ये आपको ना बड़ा स्ट्रांग एसिड चाहिए होता है, ठीक है, नो रिएक्शन, नॉर्मली कुछ होने नहीं वाला है यहां पे, ओके। तो दिस रिएक्शन अगर आप देखेंगे PH4 पॉजिटिव बनाने वाला, तो दिस विल बी वेरी स्लो एंड इट रिक्वायर्स वेरी स्ट्रांग एसिड, मतलब नॉर्मल एसिड से वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो वेरी स्ट्रांग एसिड का मतलब क्या हुआ, अगर बेस को बड़ा स्ट्रांग एसिड चाहिए रिएक्ट करने के लिए, मतलब उसकी खुद की इच्छा नहीं है,
बोला कि भाई अगले वाला मेरे को अच्छा खासा स्ट्रांग चाहिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है, वो स्ट्रांग होगा तो करवा लो इरेक्शन, अदरवाइज मेरी कोई इच्छा है नहीं। दैट मीन्स पीएच थ्री इज वीकली बेसिक, इट इज वेरी वीक बेस। और बेस जो है या बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है ना, कि कोई स्पीशीज अगर बेस काम करेगा नहीं करेगा, बेस बेटा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके पास लोन पेयर है डोनेट करने के लिए नहीं। तो पीएच थ्री में भी लोन पेयर है, एनएच थ्री में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो लोन पेयर का होना एक बात है, पर लोन पेयर को डोनेट करना दूसरी बात है। पीएच थ्री में दिक्कत यह आ रही है कि हम उसका लोन पेयर को डोनेट कर नहीं पा रहे आसानी से, पर एनएच थ्री के लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर दे रहे हैं। तो एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, कि अमोनिया का जो लोन पेयर है वो आराम से डोनेट हो जा रहा है, तो वो आराम से एज अ बेस काम करता है ना, वीक एसिड के साथ भी काम कर ले रहा है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन विल बी फास्ट बट दिस इज वेरी स्लो। पीएच थ्री में ऐसा नहीं होता। एनीवन, कोई आंसर देगा इसको जल्दी से? आई एम लुकिंग एट योर चार्ट, जल्दी से देखते हैं एक बार कौन बच्चा इसका आंसर देता है। फास्ट जल्दी से, कुशाग्र बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो ओके, या अभिषेक लोन पेयर इन पीएच थ्री प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल या स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव। ओके चलिए, तो बेटा दो चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे, दो हम टर्म्स यहां पर पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एक वर्ड स्टीरियोकेमिकली एक्टिव एंड स्टीरियोकेमिकली इनर्ट, मतलब इनएक्टिव। ओके, ये दो चीजें हम, दो ये टर्म्स हम थोड़ा बहुत समझने की ट्राई करेंगे। स्टीरियो वर्ड जब भी आप केमिस्ट्री में यूज करते हैं, इट मींस स्पेस में ओरिएंटेशन की वो बात हो रही है। जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री जो ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इट टॉक्स अबाउट कि कोई मॉलिक्यूल स्पेस में किस तरह से अरेंज्ड है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो बॉन्ड्स हैं वो स्पेस में किस तरह से ओरिएंटेड हैं। तो स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन का जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किस तरह से स्पेस में वो लगा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, दैट कम्स अंडर स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो मीन्स स्पेस, ठीक है। अब देखो, एक होता है स्टीरियो केमिकली एक्टिव और एक होते हैं स्टीरियो केमिकली इनर्ट, या मतलब इनएक्टिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, चलो आपको एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे NH3 है, NH3 की शेप क्या है बेटा, NH3 की शेप क्या है? आप बोलेंगे सर इसकी शेप है पिरामिडल। तो इसकी शेप को डिफाइन करने के लिए लोन पेयर की जरूरत थी कि नहीं थी? अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं होता तो क्या ये पिरामिडल हो पाता? नहीं, मतलब इसका पिरामिडल होना लोन पेयर की वजह से भी है। अगर ये लोन पेयर नहीं होता, सिर्फ तीन बॉन्ड होते और लोन पेयर होता ही नहीं, तो यार अगर तीन ही बॉन्ड होते तो ये तो ऐसा भी हो सकता था, जैसे बोरॉन के तीन बॉन्ड होते हैं तब तो ये ट्रायगनल प्लेनर होता, राइट। तो मतलब इसका पिरामिडल होना लोन पेयर की वजह से है, मींस लोन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द ज्योमेट्री एंड शेप, मतलब ज्योमेट्री और शेप को डिफाइन करने में लोन पेयर का काम वहां पर यूज हो रहा है ना, राइट ठीक है। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो फिर शेप तो कुछ और हो जाएगी, ज्योमेट्री आपके ट्रायंगल प्लेनर हो जाएगी। तो ऐसा लोन पेयर जो ज्योमेट्री को डिफाइन करने में काम आता है उसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिकली एक्टिव, ठीक है। तो इसका जो लोन पेयर है वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है। और ये लोन पेयर है कहां पे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि बेटा अमोनिया जो है, अमोनिया कैसा है, अमोनिया आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, अमोनिया आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। तो sp3 के टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? चार बनेंगे, sp3 में एक s और तीन p मिलते हैं, तो चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं और नए ही चार बनते हैं। नए जब चार बनते हैं ना, उनमें से तीन यूज हो जाते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ये तो आपको याद होगा, याद है कि नहीं है? नाइट्रोजन का जब आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखते थे, S2P3, ठीक है ना। तो यहां पर हमने पहले पढ़ा था ये कि सर ये तीन ही बॉन्ड बनाने, तो तीन पी ऑर्बिटल यूज कर लो, पर बेटा एंगल जो आपका 90 डिग्री तो नहीं है, एंगल आपका कितना है, 107 डिग्री है, ठीक है। तो ये चारों मिक्स होते हैं, ये 2s2p मिक्स करके क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स,
ठीक है, इन चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या होगा, इन चार में एक लोन पेयर होगा और बाकी के तीन सिंगल होंगे। ये जो तीन सिंगल हैं आपके, ये तीन भाई साहब, ये तीन बनाएंगे थ्री सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, यूजिंग sp3 थ्री ऑर्बिटल। तो बेटा चार sp3 थ्री ऑर्बिटल्स में से तीन तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए चले गए और एक में क्या रह गया, लोन पेयर। तो मतलब ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ना, समझे, वो s ऑर्बिटल में नहीं है। अगर आप ग्राउंड स्टेट नॉर्मली देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के पहले की कहानी देखते हैं, तो बेटा ये जो लोन पेयर है ना, ये इसमें था, एस में था ये। और एस कैसा होता है, गोल, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। एस का कोई शेप नहीं होता प्रॉपर, मतलब उसका कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। ऐसे नहीं कि किसी डायरेक्शन को वो फेवर करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो एस कभी भी शेप को डिसाइड नहीं करता कहीं पर भी। अगर लोन पेयर आपका एस में पड़ा हुआ ना, तो वो लोन पेयर ज्योमेट्री को या शेप को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, उसको डिसाइड करने में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। तो अगर आप नॉर्मली नाइट्रोजन देखते तो उसका जो लोन पेयर था वो एस में था, पर हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद वो लोन पेयर आ गया हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो बेटा एक बार हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ गया ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ऐसा होता है, समझे, डायरेक्शन होता ना ये। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, इसीलिए लोन पेयर अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो अमोनिया का जो लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है, इसीलिए वो लोन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल है और ज्यादा रिएक्टिव है। तो एज अ बेस जब उसको काम करना है अमोनिया को, तो वो लोन पेयर आराम से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो वो स्टीरियोकेमिकली एक्टिव है, शेप डिसाइड करने में मदद करता है। अब बात यहां पर बात करते हैं पीएच थ्री की, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को यहां तक की कहानी समझ आई होगी, ठीक है। अरे यार हार्ड कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो। अब यहीं पर अगर हम पीएच थ्री की कहानी देखें, तो पीएच थ्री में भी तुम बोलोगे सर एनएच थ्री पीएच थ्री तो सेम होंगे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फॉस्फरस, सेम ग्रुप के मेंबर है। तो यहां पर भी ऐसे होना चाहिए, नाइट्रोजन फॉस्फरस जो है ये भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बट अगर आप गौर फरमाएंगे, और वो कैसे फरमाएंगे मैं बताऊंगा ना, तब फरमाएंगे। नाइट यहां पर आप अगर फॉस्फोरस में पीएच थ्री में एंगल देखेंगे, दिस एंगल इज 93 डिग्री, ठीक है। बेटा आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, आइडियल जो टेट्राहेड्रल एंगल है दैट इज 109.5 डिग्री, ओके। तो अगर अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होती, ठीक है, लोन पेयर था, तीन तरफ बॉन्ड थे, तो एक तरफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा, दूसरी तरफ बॉन्ड पेयर रिपल्शन आएगा, थोड़ा बहुत अनइक्वल रिपल्शन आएंगी, तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109.5 तो नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, है ना। तो ठीक है यार, 108 हो जाता, 107 हो जाता, 106 हो जाता, 105 हो जाता, 104 हो जाता, 93 इज टू मच, बहुत पीछे है, बहुत ज्यादा डेविएशन है। एंड 93 इज, इट इज मोर क्लोज टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 93 का बॉन्ड एंगल है ना, ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये तो हवा से नहीं आया, कोई एक्सेप्शन नहीं है, इट इज एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये जो 93 डिग्री का डेटा है बेटा, ये आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के आसपास है, या फिर ये 90 डिग्री के आसपास है। ऑब्वियसली बात है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री के आसपास है, तो बेटा अगर ये 90 डिग्री के आसपास है, तो तुम्हें क्या लगता है टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हुई यहां पे sp3, क्योंकि अगर हुई होती तो बॉन्ड एंगल 109.5 के आसपास होता यार, 108 होता, 7 होता, 106 होता, 105 होता, पर इतना गैप। तो 93 डिग्री का एंगल सजेस्ट करता है, ये हिंट दे रहा है कि भाई 90 डिग्री एंगल है, तो इसका मतलब प्योर पी ऑर्बिटल्स हैव बीन यूज्ड इन बॉन्डिंग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं है, समझे, हुई ही नहीं है, क्योंकि पी ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड में आपस में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो अगर 90 डिग्री के पास है एंगल आपका, तो इट मीन प्योर पी ऑर्बिटल यूज हुए होंगे। तो बॉन्ड एंगल से हमें आइडिया मिल रहा है कि यार यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन हुई नहीं, यहां पर तो प्योर पी ऑर्बिटल यूज हुए। तो बेटा अगर इसमें प्योर पी ऑर्बिटल यूज हुए, तो फॉस्फरस की ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन हुई ही नहीं, ये तीन भाइयों ने मिलके तीन सिग्मा बॉन्ड बना दिए, ये तीन जो पी ऑर्बिटल्स है ना, ये इन्होंने तीन सिग्मा बॉन्ड बना दिए,
तो ये जो 3s में है ये तुम्हारा लोन पेयर है, तो लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, अब प्योर एस में है। और जो बेटा एस में होता है ना, जब लोन पेयर एस ऑर्बिटल आपको पता है वैसे भी न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, एस ऑर्बिटल वैसे भी न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, ज्यादा टाइटली पकड़ा होता है उसने, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करवाना है किसी को वैसे भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड उनके ऊपर स्ट्रांग है। दूसरी बात, एस ऑर्बिटल जो होता है ना वो स्फेरिकली सिमिट्रिकल होता है, उसका कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है कि इस डायरेक्शन को फेवर करेगा या किसी और को फेवर करेगा। तो जब लोन पेयर एस ऑर्बिटल में होता है तो वो शेप को डिसाइड नहीं करता, शेप को डिटरमिन करने में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है, और वो इनएक्टिव होता है, तो वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव होता है। तो बेटा जब लोन पेयर आपका प्योर एस ऑर्बिटल में हो तो उसको कहा जाता है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। ठीक है, दिस इज स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव। यहीं से जनरेट होता है आपका ड्रैगो रूल के, मतलब सर NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुई पर PH3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। यस, तो दैट इज अल्टीमेटली ट्रांसलेटेड एज, रुको इसको काम करते हैं, ठीक है, इतना लंबा लिखने की जगह पे मैं काम करता हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स का स्क्रीनशॉट डाल दूँ तो चलेगा ना? चलेगा यार, बिल्कुल चलेगा। तुम लोग बोलोगे कि सर दौड़ेगा, चलेगा कि क्या बात है। ठीक है, अपने को क्या, अपने को पढ़ने से मतलब है, राइट? देखिए ये आगे ड्रैगोज रूल, ध्यान से। तो ड्रैगो रूल ये बोलता है, ड्रैगो रूल का अल्टीमेटली काम क्या है पहले सुन लो, ड्रैगो रूल का काम ये है कि यार हाइब्रिडाइजेशन का मतलब नहीं कि तुम्हें जहां मिले हाइब्रिडाइजेशन करते चले जाओ, देर आर सम केसेस जहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। और हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि यार जो बॉन्ड एंगल हैं वो मैच ही नहीं कर रहे, किस वैल्यू के साथ? हाइब्रिडाइज वाली वैल्यू के साथ। क्योंकि अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 तो बॉन्ड एंगल आपका 109.5 के आसपास होने चाहिए, अगर बिल्कुल भी नहीं है आसपास तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन का फंडा लगाना वहां पर गलत हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ए टूल, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो हर कहीं नहीं लगाते चले जाना है कि फ्री फंड का लगाते चले जाओ, वहां पर लगाना है जहां पर एक्सपेरिमेंटल डेटा नॉर्मल VBT से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को यूज करने की जरूरत पड़ी। अगर नॉर्मल VBT से एक्सप्लेन हो जा रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्यों लगाएंगे? सीधी उंगली से घी निकल जाएगा तो उंगली टेढ़ी क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना? यस एग्जैक्टली। तो ड्रैगो भी ये बोलता है, बहुत समझदार आदमी था। देखो इफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, सेंट्रल एटम जैसे PH3 में फॉस्फोरस है, इट बिलोंग्स टू 15th और 16th ग्रुप, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है सिर्फ। तो बेटा सेंट्रल एटम अगर आपका नाइट्रोजन या फास्फोरस, सॉरी नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फैमिली का है और वो थर्ड पीरियड या उससे नीचे का है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो सेकंड पीरियड के हुए, थर्ड पीरियड में आया तुम्हारा फास्फोरस सल्फर है ना, तो थर्ड पीरियड या उससे नीचे वाले जो मेंबर हैं वो अगर एक ऐसे एटम्स के साथ बॉन्डेड हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, मतलब PH3 में जो आपका सेंट्रल एटम है फास्फोरस, ठीक है, वो नाइट्रोजन फैमिली का है, हाँ जी, थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, हाँ जी, जिससे बॉन्डेड है हाइड्रोजन से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है, हाँ जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.1, ठीक है। तो बोलता है ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, ऐसे केस में नहीं होती, ठीक है। तो जो लोन पेयर होगा वो प्योर एस ऑर्बिटल में रहेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं जाएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होगी ही नहीं, तो ये एस ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है और प्योर पी ऑर्बिटल से बॉन्डिंग होती है, इसलिए बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के आसपास ही आपको मिलेंगे। तो ऐसे केस में ये जो लोन पेयर होता है ना, जो प्योर एस ऑर्बिटल में रखा गया है, उसको बोलते हैं स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
अब पीछे कोई पूछ रहा था, एक बच्चे ने लिखा था कि सर PCl3 का क्या होगा। बेटा PCl3 में ठीक है, सेंट्रल एटम आपका थर्ड पीरियड में है, पर ये जिनके साथ बॉन्डेड है ना, क्लोरीन के साथ, क्या क्लोरीन आपका 2.5 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं? नहीं, ज्यादा वाले हैं ना, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो ये sp3 होगा। और इसका बॉन्ड एंगल भी तुम देखोगे वो 90 डिग्री के आसपास नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है? तो जल्दी से बताओ, यहां तक की कहानी तुम लोगों को समझ आई? क्विकली क्या करना है, सेंट्रल एटम आपका थर्ड पीरियड है, उससे नीचे वाला हो, और वो भी किसका, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन फैमिली का, और जिनसे कनेक्टेड है वो 2.5 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले होने चाहिए, ठीक है? तो PCl3 में तो है, हाइब्रिडाइजेशन है, बट PH3 में नहीं है। ये है तुम्हारा ड्रेगोज रूल, बस बस इतना ही ड्रैगो रूल, ठीक है? स्प्राइट हो गया अलग, चलिए अच्छी बात है, स्प्राइट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बस स्प्राइट में बेटा चीनी बहुत होती है, ठीक है? अमन बेटा देख, बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, जस्ट इतनी सी कहानी है, इतना सा, ध्यान से तू पढ़ लेगा ना इस पैराग्राफ को, 2 बार पढ़ लेगा तो तेरे को मतलब दोबारा इसमें कोई डाउट आने का स्कोप ही नहीं है, ठीक है? चलो अब एक काम करते हैं, सबका हो गया, हो गया ना बेटा? अंशुमन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने को कैलकुलेट नहीं करना है, जो पॉलिंग ने वैल्यूज दी है ना वो अपने को थोड़ी बहुत याद रखनी होती है, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है ना, इनकी तो पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार रूटीन में यूज होने वाले एलिमेंट्स हैं, इनका तो पता ही होना चाहिए। ओके ठीक है, चलो अब आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है? बेंट्स रूल स्टार्ट करने से पहले का कुछ बेसिक्स देख लेते हैं जो हमें चाहिए होगा। ओके, ड्रैगो रूल हो गया। अब देखो, अब आपको बताता हूं, जो हमारा VSEPR थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग, VSEPR थ्योरी में आपने पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, है ना? पर उसमें डबल बॉन्ड की हमने बात नहीं करी, चलो वो भी करते हैं। तो एज पर VSEPR थ्योरी, यार रुको यार, 8:55 हो गए हैं, रुको काम करते हैं, ठीक है? हम अपने नोट्स ही यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? वही मेरे हिसाब से तो सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी है तो इस्तेमाल करने में क्या जाता है, क्यों, क्या बोलते हो, है ना? सही है ना? नहीं तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके देखो, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग, है ना, VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पे डबल बॉन्ड रिपल्शन ज्यादा बड़ी है, लोन पे डबल बॉन्ड, है ना? उसके बाद आता है डबल बॉन्ड, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो तुमने जो पहले पढ़ी थी लोन पेयर वो तो ठीक है, वो पढ़ी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कि अगर हम डबल बॉन्ड को भी इंक्लूड कर दें, अगर डबल बॉन्ड भी हमारे पिक्चर में आ जाए तो उसको कहां रखेंगे? तो लोन पेयर डबल बॉन्ड ज्यादा बड़ी रिपल्शन होती है, तो हम ट्राई करेंगे कि लोन पेयर डबल बॉन्ड अगर अगल बगल में आ रहे हों उनको थोड़ा दूर दूर रखा जाए, क्योंकि वो दोनों आजू बाजू रहना पसंद नहीं करते, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये रिपल्शन इस ऑर्डर में चलती है। एंड दिस इज द फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका एस और पी की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन या पी माइनस वन अपॉन पी। ओके, और ये एस और पी क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एस कैरेक्टर एंड फ्रैक्शन ऑफ पी कैरेक्टर, मतलब एस प्लस पी मिला के वन होता है। क्यों? क्योंकि एस क्या है, एस कैरेक्टर का फ्रैक्शन, मतलब 100% में से एस कितना है, समझे? और पी क्या है, पी का फ्रैक्शन, मतलब 100 में से वो कितना है, समझे? थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलो अब तो मैं बताता हूं, चिंता नहीं करो, मेरे को पता है तुम्हारे पल्ले ये नहीं पड़ा होगा, तो अब इसमें जल्दी से एक एग्जांपल हम जल्दी से करते हैं। तो लेट मी गेट दिस फॉर यू, ठीक है? क्योंकि मेरे को पूरा पता है ना तुम लोगों का, तुम पक्का अपना सिर खुजा रहे होगे अभी, ठीक है? तो कोई बात नहीं, इधर देखो,
वैभव बेटा तू ध्यान दे इधर दे आ जाएगा। और ये जो नेपच्यून वाला है, तो वाले इधर क्या कर रहे हो, पानी लेने आए हो? हाँ देखो, अब जैसे आपको क्वेश्चन आया कि ये अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनिया में आप बताइए, अमोनिया आपको तो पता है ना sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि जो चारों बॉन्ड है उनमें s और p का परसेंटेज बराबर बराबर होगा? क्योंकि sp3 में नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, sp3 में आइडियली इट इज 25% s और 75% p, ऐसा है ना sp3, ऐसे बनता है ना, ठीक है। तो अगर तुम जैसे CH4 का एग्जांपल ले लो, तो CH4 का एग्जांपल लो, तो ये तो बेटा ठीक है कि चारों बॉन्ड एग्जैक्टली एक जैसे हैं, तो जब चारों बॉन्ड एक जैसे हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ठीक है 25% s करेक्ट होगा और 75% p करेक्ट होगा हर एक बॉन्ड में, चाहे इस बॉन्ड की बात कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, इसकी कर लो, किसी भी बॉन्ड की बात कर लो, एस करेक्टर आपका 25% होगा और पी करेक्टर आपका 75% होगा, है ना, क्योंकि चारों बॉन्ड एक जैसे थे। बट यहां पर क्या है, अमोनिया में एक लोन पेयर और बाकी तीन बॉन्ड है, तो इक्वल रिपल्शंस नहीं है सब तरफ से, तो sp3 तो ये है, पर ये सोचना कि ये आइडियल केस होगा 25% एस और 75% पी होगा, दैट विल बी रॉन्ग। तो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एंड द पी करेक्टर प्रेजेंट एट द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, और बॉन्ड एंगल आपको 107 दिया हुआ है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 107 दिया ना, कौन सा बॉन्ड एंगल, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड एंगल आपको 107 डिग्री दिया हुआ है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला था ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, ये कॉस ऑफ 107 ले लेंगे, ये आएगा माइनस 0.300 इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, तो ये सॉल्व करके आपका एस की वैल्यू आई 0.23, तो एस प्लस पी तो वन होता है, आपको पता है ना, दोनों फ्रैक्शन मिला के वन होता है, तो एस अगर 0.23 आया तो बेटा पी कितना आया, 0.77। तो आइडियली तुमने कितना सोचा था, 25% और 75%, है ना, 25 75, ये कितना आ रहा है, 23 77, और वो भी किसमें, ये एंगल किन के बीच का था, ये बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल था, सिग्मा बॉन्ड्स के बीच का एंगल। तो ये जो परसेंटेज भी आई ना आपकी 23% और 77%, ये बेटा बॉन्ड पेयर में है, मतलब ये वाला जो तुम्हारा बॉन्ड है, जो मैंने ब्लैक में मार्क किया, इस बॉन्ड में 25% एस नहीं है, इसमें 23% एस करेक्टर है और 77% पी करेक्टर है। उसका मतलब, इसका मतलब ये कि आइडियली होना चाहिए था 25, पर हो गया कम, तो अगर इसमें एस करेक्टर कम हो गया तो किसी दूसरे में बड़ा होगा, किस में बड़ा होगा, बॉन्ड का तो तीनों का वही केस है, ये वाला बॉन्ड हो चाहे ये वाला बॉन्ड हो चाहे ये वाला बॉन्ड हो, इन तीनों में 23 23 23% है, मतलब अगर इन तीनों में एस परसेंटेज घटा है तो बड़ा कहां पर होगा, लोन पेयर वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में, समझे, क्योंकि है तो चारों हाइब्रिड, जो आप ये अमोनिया में बॉन्ड बना रहे हो, है ना, ये जो आप अमोनिया की बॉन्ड बना रहे हो ना, देखो ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल, पर चारों एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो ये जो बॉन्ड वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वन सेकेंड, ये इसको क्या दिक्कत आ रही है, ये जो बॉन्ड वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इनमें सिर्फ 23% एस है और 77% पी है, तो अगर बेटा इनमें एस परसेंटेज घटा है आइडियल से, तो लोन पेयर वाले में फिर बढ़ा होगा, समझे, तो इसीलिए आप ये बोल सकते हैं कि इसलिए लोन पेयर वाले में एस परसेंटेज बढ़ा है, कितना बढ़ा है, देखो sp3 में जो एस है ना वो टोटल चार में डिवाइड होगा, क्योंकि sp3 के चार ऑर्बिटल बने, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना, तो वो जो एस ऑर्बिटल था वो चारों में बंटना चाहिए,
है ना। तो चार में से तीन बन रहे हैं सिग्मा बाउंड और एक बन रहा लोन पेयर, और सिग्मा बाउंड में कितना एस है 0.23, तो एक सिग्मा बाउंड में 0.23 है, तो तीन सिग्मा बाउंड में कितना आ जाएगा 0.23 × 3। ओके समझ आई? अरे यहां तक की कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि एक सिग्मा बॉन्ड में अगर 0.23 है तो तीन में कितना आएगा 0.23 × 3, तो उसको वन से माइनस कर लो, जो बचा वो तुम्हारा हो गया लोन पेयर में कितना एस है, तो लोन पेयर में आ जाएगा 0.31, दैट इज 31%। तो लोन पेयर में देखो ऑटोमेटिकली एस परसेंटेज ज्यादा आई। तो यहां से हम कंफर्म करते हैं कि भाई साहब लोन पेयर जब होता है उसमें एस परसेंटेज ज्यादा होता है, या तुम ऐसा बोल लो कि लोन पेयर प्रेफर्स अ ऑर्बिटल हैविंग हायर परसेंटेज ऑफ एस, कि लोन पेयर हमेशा वहां रहना चाहेगा जहां एस की परसेंटेज ज्यादा हो, या फिर वहां एस की परसेंटेज को वो खुद ही बढ़ा लेगा कि चल भाई यहां पर एस बढ़ा दो। ठीक है, तो लोन पेयर स्टेज इन द ऑर्बिटल जिसमें एस परसेंटेज ज्यादा होता है। ओके ठीक है, चलो एक और चीज अब जल्दी से दूसरा पार्ट इसका देख लेते हैं। वन सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ आ रहा है ना? ठीक है देखो, तो अब अगर हम इसकी बात करें यहां पे, तो बेंड थ्रू ये बोलता है कि लोन पेयर कहां रहना चाहेगा, ज्यादा एस परसेंटेज वाले में, या तुम ये बोल दो भाई जो लोन पेयर वाला ऑर्बिटल होता है ना उसमें एस परसेंटेज ज्यादा होती है, तो एस अगर ज्यादा होगी तो पी क्या होगा, पी परसेंटेज कम होगा, है ना। ठीक है, दूसरा चीज जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो किस में रहना चाहते हैं, जिसमें ज्यादा पी कैरेक्टर होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो कहाँ रहते हैं, वो उन हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं जहां पर पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला किसको प्रेफर करता है, ज्यादा पी परसेंटेज को, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला या जो लोन पेयर होता है वो किसको प्रेफर करता है, एस को। तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड कहां प्रेफर करते हैं बेटा, जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, तो लोन पेयर भी और डबल बॉन्ड भी, तो लोन पेयर ऑक्यूपाइज एस कैरेक्टर मोर देन डबल बॉन्ड। तो अगर कभी इन दोनों में कॉम्पिटिशन आ जाए, डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, दोनों है, तो इनमें भी ज्यादा एस कैरेक्टर कौन लेके जाएगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑक्यूपाइज एस कैरेक्टर मोर देन डबल बॉन्ड, समझे, क्लियर है? तो बेटा जब एस परसेंटेज बढ़ती है ना तो बॉन्ड छोटा होता है, पी परसेंटेज जब बढ़ती है तो बॉन्ड लंबा होता है और वीक हो जाता है। तो ऐसे समझ लो, मोर एस परसेंटेज मतलब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, एंड मोर पी परसेंटेज का मतलब है लॉन्गर एंड वीकर बॉन्ड। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जैसे आपके पास PCl5 था, तो PCl5 में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, PCl5 में तो आपने बोला कि यार पांचों के पांचों तो क्लोरीन है, तो पांचों को एक एक पोजीशन पे रख देते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं थी। बट अगर मैं बोलूं कि बेटा PCl3F2 एंड PCl2F3, इस केस में आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि तीन क्लोरीन और दो फ्लोरीन है तो किसको कहां रखना है, दैट इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए, आप ऐसे रैंडमली नहीं रख सकते। तो बेटा देखो, जो फ्लोरीन है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को कहां रखेंगे हम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव को कहां रखते हैं, जहां पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो आपको पता है ना एक्सेल वाले में पी कैरेक्टर ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एक्सेल sp3d को क्या लिखवाया था मैंने पहले, sp2+pd, ये sp2 से कौन से बॉन्ड बने थे तुम्हारे, sp2 से तुम्हारे इक्वेटोरियल बॉन्ड बने थे, और pd से कौन से बने थे, एक्सिल बॉन्ड बने थे। तो बेटा एक्सिल बॉन्ड में पी कैरेक्टर है ना ज्यादा, एस तो है ही नहीं, ये जो एक्सिल बॉन्ड है इनमें एस तो है ही नहीं, समझे। तो एक्सिल बॉन्ड जो होते हैं ना तुम्हारे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में,
उनमें पी करेक्टर ज्यादा होता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होते हैं उनको वहां रखना होता है जहां पी करेक्टर ज्यादा होता है, मतलब उनको एक्सियल रखो, तो जो फ्लोरीन है उसको एक्सियल पे रखो, तो ऑब्वियस बात है फिर बाकी जो क्लोरीन बचेगी वो आपकी इक्वेटोरियल पे आ जाएगी। अगले केस में सर यहां तो तीन फ्लोरीन है, तो कोई बात नहीं बेटा तीन है तो क्या हुआ, एक्सियल पोजीशन तो हमारे पास दो ही है, अब दो के बाद जो तीसरी बचेगी उसको तो आपको इक्वेटोरियल रखना ही पड़ेगा, रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन दो ही है, तो सिंपल सी चीज रखना कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या जो एटम है ठीक है उसको कहां रखते हैं, उसको एक्सियल रखते हैं, किसमें, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। ऑक्टेडल में क्यों नहीं बेटा, ऑक्टेडल में सारी पोजीशन सेम होती है ना, 6 के 6 90 डिग्री पे होती हैं, सारी सेम होती हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में सारी पोजीशन सेम नहीं होती है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखेंगे एक्सियल पे, और लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड्स इनको रखेंगे जहां पर एस परसेंटेज ज्यादा है, और वो कहां है, वो इक्वेटोरियल में है। तो ये डिफरेंस आता है, इसलिए आपने ध्यान दिया होगा जब हमने पीछे XEF2 बनाया था ना XEF2, तो लोन पेयर कहां रखे थे, इक्वेटोरियल रखे थे ना, और फ्लोरीन को कहां लगाया था, एक्सियल लगाया था ना, समझे, तो ये रीजन है। तो ये बेंट रूल है, ठीक है, सिंपल से अगर बोला जाए तो ये है। तो बेंट रूल बोलता है कि भाई साहब क्या बोलता है बेंट रूल, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को या ग्रुप को वहां रखना है जहां पी परसेंटेज ज्यादा है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहां रखना है जहां एस परसेंटेज ज्यादा है, जैसे कि लोन पेयर हो गए, डबल बॉन्ड हो गए, ठीक है, क्लियर है ये, यहां तक की कहानी समझ आ गई। चलो एक सेकंड, इसमें तुम्हारे को एक थोड़ा सा मैं और इस पे क्या करें, कुछ और एग्जांपल्स। फिर उसके बाद अपने को बैक बॉन्डिंग भी करना, बैक बॉन्डिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर, ठीक है। चलो तो बेंट रूल आई थिंक इतना सफिशिएंट है, अपने काम का इतना है। थोड़ी बहुत उसकी जो एप्लीकेशन है वो हम कर लेंगे क्वेश्चन, जब हम डीपीपी सेशन करेंगे आगे, तो उसमें क्वेश्चंस की फॉर्म में थोड़ा बेंट रूल के ऊपर और कहानी हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। बाकी जो तुम्हें मैंने बेटा एक इसकी कुछ एक्सेप्शन भी होती है, पर हमें उतना याद नहीं करना है, क्योंकि करने को तो तुम बेंट रूल में पूरा डिटेल में घुस जाओ, उसके एक्सेप्शन भी पढ़ डालो, उसके सारे सारे केस पढ़ डालो, पर क्या होने वाला है, नहीं है ना उतना सिलेबस में है ही नहीं। वैसे तो बेंट्स रूल भी आपको जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ठीक है इस तरह के स्ट्रक्चर बना दिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना है, तो पता होना चाहिए, उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है कि क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि तुम एंगल कैलकुलेट करने लोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस वन, वो उतना टाइम नहीं होगा अपने पास, राइट। तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए अपने, उसमें बीच में घुस के पीएचडी नहीं करनी है, तो इतना सा बेंट्स रूल सफिशिएंट है। बाकी एक क्लास मैंने पहले भी ली हुई है बेंट्स रूल और ड्रैगन रूल के ऊपर, एक सेशन मैंने पहले भी लिया हुआ है, वो भी आप ढूंढ के देख सकते हो, उसमें मैंने एक दो केस एक्स्ट्रा करवाए थे, उसको भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जहां जहां एप्लीकेशन जितनी जितनी होगी वो हम देख के समझते जाएंगे, क्योंकि अपने को उतना ही करना है जितना क्वेश्चंस की कैलकुलेशन के लिए हमारे को आना चाहिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत अपने को नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहां तक की कहानी। चलो तो तुम्हारे को मैंने एक क्वेश्चन दिया था बेटा कि वो मेरे को अगली क्लास में चाहिए होगा, मैं डीपीपी में डिस्कस करूंगा कि SF6, अरे रुको कलर चेंज, SF6 एग्जिस्ट्स बट SH6 डजंट, ऐसा क्यों होता है, वैसे PCl5 एग्जिस्ट बट PH5 डज नॉट, ये मेरे को अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं तुम्हें कहा था इसको पढ़ोगे तुम्हारे काफी फंडे क्लियर होंगे, तो ये कल की डीपीपी सेशन में हम डिस्कस भी करेंगे इसको आराम से, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आना इसके बारे में, अच्छे से ढूंढ के आना, देख के आना, फिर इसके बारे में बात करेंगे, ओके ठीक है। चलिए तो बाकी आपको टाइमिंग का पता ही है, सब बच्चों को टाइम की कहानी सबको पता है कि नहीं है, कैन वी मेक टाइम मशीन, बेटा बन जाए तो मेरे को बुला लेना, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं, पर अगर बन जाए तो मेरे को जरूर बुला लेना, ठीक है। चलिए तो टाइमिंग का बेटा आपको पता है, मंडे टू वेडनेसडे 11th की थ्योरी क्लासेस होती हैं शाम को 7 से लेकर 10:30 बजे तक, और 12th का डीपीपी सेशन होते हैं दोपहर 4 से 7, और अगले 3 दिन 11th की डीपीपी होती हैं, जैसे 5 बजे केमिस्ट्री की डीपीपी होती है, और 12th की रात को होते हैं आपके थ्यूरी के सेशन,
टेलीग्राम ऐप पे आपको बता दिया मैंने, जो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस नोट्स आपको वहां पर भी मिल जाते हैं, और हमारे सारे लेक्चर्स और नोट्स अगर आपको एक ही जगह पे चाहिए तो जस्ट गो टू द tinyurl.com/jmobile। और अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की। तो ये देखो, अच्छा देखो डायरेक्टली ये पूछो कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, एनीथिंग, बिकॉज आई थिंक सब्सक्रिप्शन के जो फीचर्स हैं वो तो सब बच्चों को पता है कि हाँ सर हमें पता है कि हमें टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ने को मिलता है घर बैठ के, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कभी भी क्लास अटेंड कर लो, लाइव क्लास मिस करके उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लाइव होती है क्लास तो हम टीचर के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं चैट के थ्रू, ठीक है, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जेई मेन, जेई एडवांस, उनका पूरा डिटेल एनालिसिस आता है, लाइव डाउट क्लियरिंग होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ पूछना किसी को बेटा? एमओटी करेंगे ना, इसके बाद करेंगे अभी, ठीक है, एमओटी करना है, इसके बाद करना है, उसकी चिंता नहीं करो, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें सिंपल ये बोल रहा हूँ कि सब्सक्रिप्शन के सबको फीचर्स पता है कि ठीक है सर हमारे पास फ्रीडम है, हम किसी भी टीचर से पढ़ें या सबसे पढ़ें, हमारे पास फ्रीडम है, फास्ट पढ़ना चाहे कोई बच्चा तो फास्ट भी पढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जो स्लो चलना चाहेगा वो स्लो चल सकता है, तो आप अपनी मर्जी से जिस स्पीड से कवर करना चाह रहे हो सिलेबस वो कर सकते हो। अभी ये ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई जिस स्पीड से क्लास चल रही है तुम्हें उसी स्पीड से कवर करना पड़ेगा, तो वो दिक्कत अब नहीं है, इट्स कॉल्ड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, और उनके लिए भी अच्छा है जो थोड़ा स्लो लर्नर है, धीरे धीरे, कोई बात नहीं सर, पॉज कर करके देखेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है, हज़ार बार देखेंगे, ओके। तो ये तो कोई भी बच्चा सब्सक्रिप्शन ले सकता है, आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, कोई भी, एंड इट गिव्स यू मतलब अनलिमिटेड एक्सेस है, मोबाइल पे देखो, लैपटॉप पे देखो, ठीक है। तो देखिए हमारी पूरी टीम यहाँ पे पढ़ा रही है, मतलब एजुकेटर्स, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं, हमारी पूरी टीम जेला डेली की टीम आपको पता ही है, द बेस्ट एजुकेटर्स, कोटा के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर हैं, टॉप ऑथर्स, देखिए ये जो सारी बुक्स हैं इन सभी के ऑथर्स बेटा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, वो भी इतने सारे टॉप एजुकेटर्स इकट्ठे हैं, और आप किसी से भी पढ़ सकते हो, सबसे भी पढ़ सकते हो। तो करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाओ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो। दिव्यांशु बेटा, अच्छा बेटा हीटर रख ले साथ में, देखो वहाँ पर ठंडी होती है, ठीक है, फिर बीमार हो जाएगा, फिर घर वाले बोलेंगे, देखो मतलब समझा करो। तो बेटा प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल करने के बाद आप जब अपनी प्रोफाइल ओपन करोगे वहाँ प्लस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आईआईटी जेई चूज करना है, क्योंकि तुम्हें आईआईटी जेई की सब्सक्रिप्शन लेनी है। हाँ, किसी को नीट की लेनी है, नीट की भी ले सकते हो, ओके, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, नोन हैं, जिनको नीट के लिए तैयारी करनी है, वो नीट की भी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, तो अब आपके सामने आ जाएगा प्राइसिंग कि एक महीने से लेके दो साल तक का सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है। बेटा वन ईयर के चार्जेस हैं 30,000 और टू ईयर के 36,000, और उस पर आप पीटी लाइव कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब अपने को 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है इसके ऊपर, तो 36,000 भी नहीं है, 32,400 में मेरा दो साल का प्रेपरेशन घर बैठ के टॉप एजुकेटर्स मेरे को पढ़ा रहे हैं। तो होमवर्क मिलता है, चेक होता है, एक इंटरेक्शन होती है, एक रूटीन बनता है, एक डिसिप्लिन बना होता है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड टोटली गो फॉर इट, बिकॉज इसमें जो आपको बेनिफिट्स हैं वो बेटा इस कॉस्ट से बहुत बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप इसका अच्छा बेनिफिट लेंगे ना इस प्लेटफॉर्म का, तो यू कैन डू वंडर्स, इट विल बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इतनी अच्छे रिसोर्सेज यहाँ पर आपको मिल रहे हैं कि अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, आप कुछ करना चाहते हो ना, तो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, इट्स अ पूल ऑफ रिसोर्सेज, इतने सारे टीचर, इतने अमेजिंग टीचर्स हैं यहाँ पे, फाइन, ओके। तो गो फॉर द टू ईयर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 4-5 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है एक साल और दो साल में, तो ऑब्वियसली दो साल का सब्सक्रिप्शन ही लेना चाहिए। और बाकी चैनल का सबको पता है ना, अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी नीट, 9, 10, 11, 12, सारे के सारे चैनल्स सब्सक्राइब तो कर ही लेना, बाकी दोस्तों को भी बता देना है, और शेयर इट एवरीवेयर विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, ठीक है। तो बाकी अगर तुम लोग मेरे को इंस्टा पे टैग करना चाहते हो, यू कैन टैग मी paras_thakur पे, एंड यूज द कोड पिट लाइफ, ठीक है, तभी तो लाइव है, ओके। दिव्यांशु बेटा पहले तू कंफर्म कर ले, ठीक है, पहले नेपच्यून जिता तेरा, तू पहले कंफर्म कर ले, तो ऐसे कर घर वालों को पूछ ले कहाँ से है, एक बार कंफर्म हो जाए तो बेटा बड़ा सा प्रिंट आउट लेके लगा ले, बार बार बोलता हूँ अच्छा थोड़ा ना लगता है, ठीक है, ओके, चलो चलिए, थैंक यू बेटा हर्षित,
बाकी यार शेयर कर देना, तुम लोग शेयरिंग नहीं करते हो, तुम लोग मतलब बहुत आलसी होती है, मेरे को बहुत बुरा लगता है। शेयर कर दो उसको सब जगह, लाइक करना, तो अगर अच्छा लगा तो कुछ समझ आया तो लाइक भी कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर लो, ठीक है। यस तनिष बेटा, नीट के लिए भी बहुत बढ़िया है हर चीज़ सारी, मतलब चाहे आप जेई के प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लें, नीट के लिए लें, यू विल लव इट डेफिनेटली। ओके चलिए, धन्यवाद बालकों, मिलते हैं, बालकों और बालिकाओं मिलते हैं कल की क्लास में क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।